हाय इन्वेस्टर फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आज कुछ इंपॉर्टेंट एंड अनोखा डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वेबिनार में। इसमें हम बात करेंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट में लॉसेस इतने कॉमन है, मीन्स क्यों 80-90% इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को अपने लगाए हुए पैसे पर लॉस ही होता है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे मार्केट से कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाने के लिए जो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दिस हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स एंड उनके पास्ट मार्केट रिटर्न्स के बारे में, जिससे प्रूव होता है कि स्टॉक मार्केट में इन बेसिक्स का रियली क्या इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे स्टॉक मंथन के कंसेप्ट को डिस्कस करके, मीन्स स्टॉक मंथन कैसे इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकता है कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाकर मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी पार्ट ऑफ द स्टॉक मंथन फैमिली, जिससे हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर रेगुलर डिस्कशन कर सकें। और इसके बाद मैं स्टॉक मंथन बुक या वीडियो ट्यूटोरियल या फिर 3 कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज यूट्यूब चैनल पर इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको स्टॉक मंथन के पूरे कंसेप्ट को ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। भले ही स्टॉक मार्केट के फील्ड में बहुत सारी बुक्स, यूट्यूब चैनल्स, कोर्सेज एंड सेमिनार्स मौजूद हैं, बट सच अभी भी वही है कि 80-90% इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स पर लॉस ही होता है। हमारा कॉमन टारगेट है इस स्टैटिक को इम्प्रूव करना एंड जितने हो सके उतने रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉसेस से बाहर निकालना। तो इस जर्नी में हम इन्वेस्टर्स के कॉमन डिफिकल्टीज को डिस्कस करेंगे एंड उनके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस पर आएंगे। एट प्रेजेंट फैक्ट तो यही है कि लॉसेस बहुत कॉमन है एंड इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या स्टॉक मार्केट रियल में बहुत रिस्की है या फिर ये गैम्बलिंग जैसा है। तो इसके लिए हम एक कंपनी के शेयर का एंड उसमें इन्वेस्टमेंट करने का रियल मीनिंग समझते हैं। जब प्रमोटर्स एक कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड विथ हाई एम्बिशंस वो कंटिन्यूसली अपने सेल्स एंड प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, तब ग्रोथ होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्रमोटर्स को फंड्स की जरूरत पड़ती है बिजनेस को नई हाइट्स पर ले जाने के लिए, एंड उसके लिए जो ऑलरेडी फंड्स हैं वो इनफ नहीं होते हैं। तो फिर कंपनी अपने बिजनेस की ओनरशिप को छोटे छोटे स्मॉल शेयर्स में डिवाइड कर देती है एंड कॉमन पब्लिक को इन्वाइट करती है कंपनी के नए शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। जो भी पर्सन उसमें इन्वेस्ट करता है वो शेयर होल्डर बन जाता है एंड इन रियल सेंस वो शेयर खरीदने वाला कंपनी के बिजनेस का पार्ट ओनर होता है एंड उसका कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड असेट्स में प्रोपोर्शनेट राइट होता है, जितने भी उसके पास शेयर्स हैं उस प्रोपोर्शन में। पर अब इसके बाद क्या होता है, जब कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स पर चल के अपने सेल्स एंड प्रॉफिट्स दोनों को ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करती रहती है, तब कंपनी के शेयर की वैल्यू भी मार्केट में डेफिनेटली इंक्रीज होती रहती है। ये कॉमन फैक्टर है कि बिजनेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा तो शेयर प्राइस भी इंक्रीज ही होगा इन लॉन्ग रन, एंड बिकॉज ऑफ दिस शेयर होल्डर्स को अपने इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पर प्रॉफिट होता है। स्टॉक इन्वेस्टिंग में गेन करना नेचुरल प्रोसेस है एंड प्रैक्टिकल बिजनेस कंसेप्ट है। बट इसके बावजूद क्यों ऐसा होता है कि नेचुरल इन्वेस्टर्स गेन करने की जगह लॉसेस बियर करते रहते हैं, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मार्केट के बेसिक्स फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। मार्केट के बेसिक्स क्या हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं एंड वन बाय वन इन बेसिक्स को डिस्कस करने के बाद कुछ इंडियन स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन बेसिक्स को फॉलो करके जिसने भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया उसे मल्टीबैगर रिटर्न मिला, एंड उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टॉक मंथन हेल्प कर सकता है इन बेसिक्स को फॉलो करने में एंड डायरेक्टली इन्वेस्टर को कंसिस्टेंट रिटर्न्स ईयर आफ्टर ईयर कमाकर लॉसेस अवॉइड करने में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट बेसिक थिंग जो मैटर करती है श्योर रिटर्न्स मार्केट में कमाने के लिए वो ये है कि इन्वेस्टर जब अमाउंट इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में तो वो बिजनेस ग्रोइंग होना चाहिए विद सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक मोड। किसी भी कंपनी को पिक कीजिए जिसके शेयर प्राइस ने कंटिन्यूस रिटर्न दिए हैं लास्ट 5-10 ईयर्स या फिर उससे भी ज्यादा पीरियड में, उन सभी में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी एंड वो है सेल्स एंड प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होना कंटिन्यूसली। जैसे जैसे उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं वैसे ही उन स्टॉक्स के प्राइसेस भी बढ़ते रहते हैं ईयर ऑन ईयर। समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है एक एग्जांपल की हेल्प से। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अल्का एलायंस लिमिटेड के ईयरली कंपेरेबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को, तो साफ दिखाई देता है कि ईयर ऑन ईयर इसका सेल्स टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है। फिर इस सेल्स टर्नओवर में से सारे एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस डिडक्ट करके जो प्रॉफिट आता है वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। एंड इसके जस्ट बाद हम शेयर प्राइस पर भी गौर करें तो मार्च 2016 में कितनी थी ₹124.66 एंड बढ़ते बढ़ते मार्च 20 में कितनी हो गई ₹481.32। एंड ये कोई छोटा मोटा राइज नहीं है, 4 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाना छोटा रिटर्न नहीं होता है। मार्च 20 के बारे में एक और बात है कि इस पीरियड में मार्केट कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ था एंड मार्केट इंडेक्सेस के साथ साथ ऑलमोस्ट सभी शेयर्स की प्राइसेस गिर गई थी। अगर इसी स्टॉक के प्राइस मार्च से थोड़े पहले मतलब फरवरी 20 में हम लोग देखेंगे तो वो और भी ज्यादा थी, मीन 600 से भी ज्यादा। फिर तो 2016 के कंपैरिजन में कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 टाइम्स रिटर्न दिया है। टेम्परेरीली मार्च में डाउनफॉल आया था बट उसके बाद की बात करें जस्ट 1 साल बाद की मार्च 21 में इसका शेयर प्राइस पहुंच गया था अराउंड 2200 से भी ऊपर। ये वो टाइम था जब स्टॉक हाई वैल्यूएशन मार्क को तोड़कर ऊपर जा रहा था बिकॉज बिजनेस में स्ट्रेंथ होने के कारण काफी सारे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अट्रैक्ट हो रहे थे एंड इस स्टॉक को सेल करने का टाइम आ गया था। तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि प्रॉफिट्स के इंक्रीज होने में एंड शेयर प्राइस के कंटिन्यूस राइज होने में एक बहुत अच्छा कनेक्शन है
एंड ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आप सीए हैं या इंजीनियर या फिर सिंपल ग्रेजुएट या फिर सिंपली स्कूल पास्ड हैं तो भी ये चीज़ आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ सिंपल सेंस टू टॉक अबाउट। अब ये जो एग्जाम्पल डिस्कस किया है इसमें हम कुछ चीज़ें पेशेंटली ऑब्जर्व करेंगे। कंपनी का टर्नओवर एंड प्रॉफिट 2016 से लेकर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा था, तो उसके पीछे का रीजन क्या था? सी, कंपनी का बिजनेस था केमिकल में एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर रिलायबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर एंड सेल करके अपने कस्टमर्स को रेगुलरली सेटिस्फाई किया। इसी वजह से वो एथाइल अमाइन्स में ग्लोबल लीडर बन गई। इन्हीं सब रीजंस की वजह से कंपनी में इकोनॉमिक मोड क्रिएट हुआ जिससे ये सब पॉसिबल हो पाया। अब इकोनॉमिक मोड क्या है इसे ब्रीफ में समझते हैं। इकोनॉमिक मोड का सिंपल मतलब है कि बिजनेस में ऐसी इंटरनल स्ट्रेंथ जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन से या तो फाइट किया जा सके या फिर उसे अवॉइड किया जा सके बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस कंटिन्यूसली अपना सेल्स एंड प्रॉफिट्स राइज कर सके। बट फैक्ट ये है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर जनरली केयर नहीं करते हैं कि बिजनेस में दम है या नहीं। वो किसी स्टॉक के बारे में या तो अपने फ्रेंड से या नॉन पर्सन से या फिर कहीं भी ऑनलाइन सर्च करके या फिर किसी टीवी न्यूज़ चैनल पे या फिर कैसे भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद अगर वो बिजनेस अपनी स्केल नहीं बढ़ा पाता है इन कमिंग टाइम्स तो उसका शेयर प्राइस भी डिक्लाइन होता जाता है। इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल, उसके बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस एंड फाइनेंशियल डेटा को थोड़ा अच्छे से देख लिया जाए। बिजनेस एवर ग्रोइंग है या नहीं ये पता करना बहुत जरूरी। फिर सेकंड बेसिक चीज़ है कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में कमाने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देन स्टॉक प्राइस में प्रोबेबली अच्छा रिटर्न आता है। बट बिजनेस ग्रो होता रहे तब भी ऐसा कई बार होता है कि टेम्पररी बेसिस पर स्टॉक प्राइस या तो थोड़ा डाउन चला जाता है या फिर एक ही जगह पर बना रहता है। बट हम अगर बड़ी पिक्चर देखें तो ये ऊपर की तरफ ही राइज होता हुआ हमें दिखेगा अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है एंड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं तो। बट इस कंसेप्ट को भुलाकर इन्वेस्टर्स अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो क्विक मनी बनाने के चक्कर में कुछ शॉर्ट टर्म ट्रिक्स अपनाते हैं एंड नतीजा वही रहता है, 80-90% इन्वेस्टर्स को लॉस। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मार्केट में बड़े प्लेयर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्वेस्टर्स लालच को फॉलो करते हैं पैशंस को नहीं। एंड ड्यू टू दिस रीजन ओनली मार्केट इसी तरह से डिजाइन होते हैं कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स कोई भी बेसलेस तरीके से इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए टैम्प्ट हो एंड उसे लॉस हो। अब इस चीज के सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी कंपनी विद ग्रोइंग बिजनेस हमें सिलेक्ट करनी होती है, फिर उसमें लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट करके उस स्टॉक को तब तक होल्ड करके रखना चाहिए जब तक उसके बिजनेस की पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स सस्टेन रहे एंड इसका शेयर प्राइस इंक्रीज होकर ओवरवैल्यूड नहीं हो जाए। मेरा पोर्टफोलियो सालों से मैनेज करते हुए कई बार कुछ प्रॉमिसिंग स्टॉक्स को मैंने फ्रेंड से डिस्कस किया तो सिंपली उनका क्वेश्चन उसमें यही होता था कि इसका प्राइस डबल कब तक हो जाएगा। एंड आई वुड से कि अराउंड 2-3 ईयर्स में एस्टिमेटेड है कि ये डबल होगा। तब वो ओपनली यही कहते थे कि 3 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा टाइम है। ये सुनकर इतना ही सोचने में आता है कि 3 ईयर्स में डबल होना मतलब 25% एनुअल ग्रोथ रेट कंपाउंडिंग बेसिस पे, 25% की रेट। एंड इसके कंपेरिजन में अगर एफ डी रेट्स को कंपेयर करें तो ओनली 6-8% रेंज करती है। उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स से ज्यादा रिटर्न्स क्या सही नहीं है? एंड ऐसा हर अच्छे स्टॉक में नहीं हो सकता है कि आपको कुछ मंथ्स में वो डबल होके मिल जाए। एंड अगर 25% एनुअल प्रॉफिट्स क्या कर सकते हैं ये हम जान ले तो ऐसे सवाल माइंड में आएंगे ही नहीं। अगर एक इन्वेस्टर 1 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो बनाकर रख लेता है एंड कुछ अच्छे स्टॉक्स में उसे एलोकेट कर देता है एंड कंसिडरेबल बिजनेस ग्रोथ के चांसेस उन स्टॉक्स में फ्यूचर में है एंड वो उस बेसिस पर 25% एनुअली कंपाउंडिंग बेसिस पर अपने पोर्टफोलियो में अर्न करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये ₹1 लाख आने वाले 10 ईयर्स में 9 टाइम्स हो जाएंगे, दैट इज अराउंड ₹9.31 लाख। एंड अगर 10 ईयर्स इसमें और जोड़ दिए जाए तो अमाउंट हो जाएगा 86.73 लाख, जो है 86 टाइम्स। मीन्स 20 ईयर्स में 86 टाइम्स रिटर्न। पर अपने पोर्टफोलियो को पेशेंटली मैनेज करके 10 ईयर्स में 9 टाइम्स एंड 20 ईयर्स में 86 टाइम्स करने की जगह इन्वेस्टर केवल यही सोचता है कि क्या करूं जिससे मेरी इन्वेस्टमेंट आने वाले 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में डबल हो जाए। अरे भाई ऐसा अगर हो सकता तो कोई और काम कभी करना ही नहीं पड़ता। यही लालच का इमोशन एक इल्यूजन पैदा कर देता है एंड इन्वेस्टर कुछ बेसलेस स्टॉक्स में जो बेवजह या तो ट्रेंडिंग है या फिर पैनी स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करके अपना अमाउंट लॉस करता जाता है। फिर लास्ट में ब्लेम करते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है एंड इसमें इन्वेस्ट करना जुआ खेलने जैसा है। इसके बाद थर्ड बेसिक है द प्राइस एट विच वी आर बाइंग द शेयर। सपोज हमें ऐसी कंपनी मिलती है जिसका बिजनेस अच्छा है एंड हम इसमें कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे ये ईयर ऑन ईयर इसका बिजनेस ग्रो होगा एंड साथ साथ शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो एंड हमें क्वालिटी रिटर्न्स दे सके। बट अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हम जो स्टॉक परचेस करने का सोच रहे हैं उसकी प्राइस ऑलरेडी इतनी हाई हो कि आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दी ग्रोथ जो कंपनी को होने वाली है इन फ्यूचर उस प्राइस के वहां से बढ़ने का कुछ स्कोप ही ना हो तो फिर उस शेयर को परचेस करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। बिकॉज एक सही कंपनी का शेयर अगर गलत प्राइस पर जो बहुत ज्यादा है उस पर हमने परचेस किया तो वो इन्वेस्टमेंट ही गलत हो जाता है। यहाँ पर हम डीमार्ट के स्टॉक का एग्जांपल लेंगे। कंपनी का बिजनेस नो डाउट काफ़ी अच्छा था एंड अच्छा है
बट इस शेयर की अट्रैक्टिवनेस इतनी बढ़ गई थी कि ये राइज होता गया एंड एक पॉइंट आ गया इसकी लाइफ में जब इसके ओवर वैल्यूएशन की लिमिट आ गई। वो टाइम था अक्टूबर 2021 जब ये 5,000 की प्राइस को क्रॉस कर गया था। फिर उसके बाद में वो दिन है एंड आज का दिन, पूरे 2 साल के बाद भी इसका प्राइस वापस 5,000 से ऊपर नहीं पहुंच पाया। सो जस्ट इमेजिन कि किसी ने अगर 5,000 की प्राइस के अराउंड इस स्टॉक को खरीदा होगा, उसे श्योर शॉट लॉस होना ही था बिकॉज शेयर ओवर वैल्यूड था भले ही बिजनेस बहुत अच्छा हो। इसी पर्पज से कंपनी के स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी ज़रूरी है उसे खरीदने से पहले। वैल्यूएशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो है रिसेंट पास्ट ईयर्स में फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है मैनेजमेंट की नज़र में। इन तीनों बेसिस के बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट बेसिस एंड वो है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। इकोनॉमी में ऐसा टाइम आता रहता है जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी का इशू हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी लीगल, एनवायरमेंटल और एनी अदर रीजन। उस केस में अगर मेजोरिटी ऑफ पोर्टफोलियो अमाउंट सिर्फ उसी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये एक इशू हो सकता है एंड पोर्टफोलियो में हैवी लॉस हो सकता है। बट अगर हमने उस सेक्टर की एक या दो कंपनीज में केवल 8 to 10% ऑफ पोर्टफोलियो ही इन्वेस्ट कर रखा है तो फिर सारा पोर्टफोलियो अफेक्ट नहीं होगा, बस एक छोटा पोर्शन जो है उसमें डाउन ट्रेंड आएगा एंड जो बाकी के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनकी वैल्यू वैसे ही नॉर्मली राइज होती रहेगी जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ेगा। इसी रीजन से स्टॉक वाइज एलोकेशन की जगह सेक्टर वाइज एलोकेशन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, कंसिस्टेंट गेन करना एंड लॉसेस अवॉइड करने के लिए इन्वेस्टर को सबसे पहले तो अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ता है जिनमें बिजनेस के ग्रोथ का स्कोप बहुत हाई हो। देन उन स्टॉक्स का वैल्यूएशन चेक करना होता है जिससे कंफर्मेशन मिल सके कि इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड तो नहीं है। फिर उसके बाद सेक्टर वाइज फंड एलोकेट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना होता है एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करना होता है एंड नॉट विद क्विक गेन फिलोसॉफी। ऐसा रेगुलर वे में करते रहने से पैसा अपने आप फ्लो होगा एंड वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। हम इंडियन स्टॉक से और एग्जांपल लेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए कि कैसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंट गेन हो सकता है इन बेसिक्स को फॉलो करके। तो अलका लेवेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, अब कुछ और स्टॉक्स को हम ऑब्जर्व करेंगे एंड ये समझने के लिए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर वी टेक इज ऑफ PI इंडस्ट्रीज। कंपनी का बिजनेस है एग्रोकेमिकल प्रोड्यूस एंड सेल करना। लेट्स हैव अ लुक एट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी एंड वी गेट टू नो दैट इन मार्च 2014 इसका स्टॉक प्राइस था ओनली ₹278.35 एंड मार्च 2023 में ये हो गया 3030। तो सिंपल बात है कि 9 ईयर्स में स्टॉक का रिटर्न था मोर देन 10 टाइम्स। अब इसके सेल्स रिवेन्यू की डिटेल को देखें तो 2014 में ये था ₹1,595 करोड़ एंड 2023 में हो गया 6,492 करोड़, मतलब कि 4 टाइम्स इंक्रीज। इसके बाद प्रॉफिट्स की डिटेल को देखें तो यहाँ भी देखने को मिलता है कि पास्ट 9 ईयर्स में 188 करोड़ से बढ़कर ये हो गया 1,229 करोड़ एंड ये राइज हुआ है अराउंड 6.5 टाइम्स। तो ऑब्जर्वेशन सिंपल है, टर्नओवर राइज हुआ, प्रॉफिट भी राइज हुआ एंड इसी वजह से शेयर प्राइस में भी ओवर द ईयर्स इंपैक्ट आया एंड मार्केट सेंटीमेंट्स इंप्रूव होने की वजह से 6.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में बट शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है 10 टू 11 टाइम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि 2014 में ये कैसे आइडिया लगेगा कि इस कंपनी का बिजनेस इतना प्रॉमिसिंग है कि इसके प्रॉफिट्स इंक्रीज होने से स्टॉक प्राइस इतना ऊपर चला जाएगा अगले 9 ईयर्स में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हाँ, हम आइडिया लगा सकते हैं कंपनी के बिजनेस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर एंड जिस इंडस्ट्री में कंपनी फंक्शन कर रही है उसके फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में भी जानकर। एंड एक और अच्छी बात यह है कि इतने लंबे फ्यूचर का आइडिया नहीं लगा सकते बट अगर आने वाले कुछ सालों के बारे में भी आइडिया हो जाए तो भी काफी अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज 2019 में एक इन्वेस्टर ने कंपनी का डेटा प्रॉपरली स्टडी किया जिसमें एक है कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल जिससे उसे अच्छी तरह आइडिया हो गया कि कंपनी के नियर फ्यूचर के ग्रोथ का कितना स्कोप है, जैसे कि कोई कैपेसिटी एक्सपांशन, न्यू मार्केट एंट्री, फिर न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की तरह के कोई नए इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है। ये इन्फॉर्मेशन 2019 में रीड करके पता चलना एंड सेकेंड चीज़ है कंपनी के रिसेंट पास्ट ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्विकली रीड करना, मतलब कि क्या कंपनी ने पास्ट के कुछ सालों में अपने शेयर होल्डर्स को कन्विंसिंग रिटर्न्स दिए हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स पर एंड और भी अदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज या डेटा कंपैरिजन। थोड़ा टाइम लगाकर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर इन दो फैक्टर्स के बारे में पता कर लिया जाए तो बहुत अच्छा चांस है कि सही स्टॉक चूज किया जा सकता है, जैसा कि इस स्टॉक में मिला है। 2019 में इन्वेस्ट किया होता तो प्राइस थी 1032 एंड 2023 में है अराउंड 3030, मतलब कि 4 ईयर्स में 3 टाइम्स। एंड अगर रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो ये रेट 30% से भी ज़्यादा है कंपाउंडिंग मेथड से 4 ईयर्स में। आप ये भी सोचेंगे कि कैसे मैं इस तरह की स्टडी कर सकता हूँ, स्पेशली अगर मैं फाइनेंस बैकग्राउंड का पर्सन नहीं हूँ। तो इसी टाइम पिक्चर में आता है स्टॉक मंथन। स्टॉक मंथन का सिंपल मतलब है उन स्टॉक्स का पता करना जिसमें ऐसे चांसेस हों कि वो आने वाले टाइम में सुपर या मल्टीबैगर रिटर्न्स देंगे, या फिर इस प्रोसेस की मदद से इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करके अपने तरीके से उसे टेस्ट कर सकता है टू नो कि ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे सकता है या नहीं। स्टॉक मंथन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स के बाद। अब बारी है KEI इंडस्ट्रीज की जिसमें मैंने नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेस्ट किया है इन पास्ट फ्यू ईयर्स। इस स्टॉक के बारे में जो इसने रिटर्न्स दिए हैं वो अनबिलीवेबल है,
2014 में शेयर प्राइस था ओनली ₹12 एंड आफ्टर 9 ईयर्स इन मार्च 2023 ये था ₹1698, मतलब कि 135 टाइम्स रिटर्न। किसी ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो सिंपली करोड़पति हो गया होता। अगर इस कंपनी की सेल्स को देखते हैं तो 1618 करोड़ से इंक्रीज होकर ये हो गई है 6912 करोड़, मतलब कि 4.3 टाइम्स राइस। एंड उसके साथ ही नेट प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होकर 11 करोड़ से 477 करोड़ हो गया, मतलब कि 43 टाइम्स राइस। बट ऐसा क्यों है कि स्टॉक में 135 टाइम्स इंक्रीज हो गया बट ऐसा क्यों है कि स्टॉक प्राइस में 135 टाइम्स इंक्रीज हो गया? देखिए मार्च 2014 के रिजल्ट को, इसमें आपको दिखेगा कि सेल्स के मुकाबले नेट प्रॉफिट्स 1% भी नहीं है। इसी वजह से मार्केट का परसेप्शन इस स्टॉक के लिए उस टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसी वजह से प्राइस अर्निंग्स रेशियो है ओनली 7। बट अगर मार्च 2023 के रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 7% ऑफ सेल्स टर्नओवर। ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं है बट फैक्ट ये है कि प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं एंड 9 ईयर्स में ये इंक्रीज है 43 टाइम्स। इसी वजह से प्राइस अर्निंग्स रेशियो 2023 में अच्छे लेवल पर है, विच इज 32 टाइम्स, जो एक रेप्यूटेड स्टॉक्स के केस में हो सकता है इस रेंज में। इसके बाद बारी आती है एक फेमस स्टॉक की, बजाज फाइनेंस। इस स्टॉक में पिछले 8 ईयर्स में अगर ओवरऑल कंसिडर कर रहे हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ एंड शेयर प्राइस ग्रोथ हाथ मिलाकर चल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 12.81 टाइम्स एंड शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है 13.6 टाइम्स इन सेम पीरियड एंड सेल्स टर्नओवर में भी 8 टाइम्स ग्रोथ दिखा है। ये एक डिसेंट सिनेरियो है एंड कंपनी ने कंसिडरेबल रिटर्न दिए हैं। बट एक बात है कि लास्ट 4 ईयर्स में कई बार ऐसा हुआ है कि ये स्टॉक बीच बीच में ओवर वैल्यूड हुआ है एंड इसी वजह से इस स्टॉक को सेल करके डाउन आने पर वापस परचेस करने की सिचुएशन बार बार बनी है। मीन्स ओवर वैल्यूड हो जाए तो सेल ऑफ एंड वापस रीजनेबल वैल्यूएशन पर आए तो परचेस। ऐसा मैंने 3-4 टाइम्स किया था पिछले 5 ईयर्स में इन केस ऑफ दिस स्टॉक, बट रिसेंटली आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे दीपक नाइट्रेट का, जो है एक केमिकल बिजनेस। इसका डाटा देखा 2015 से लेकर 2022 तक तो सेल्स बढ़ी है 1327 करोड़ से 6802 करोड़, जो है 5 टाइम्स राइज। एंड प्रॉफिट्स को देखें तो उसमें राइज है अराउंड 20 टाइम्स एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस अगर स्टॉक प्राइस पर नजर डालें तो 68.5 से बढ़कर 2243, जो है 32 टाइम्स, मतलब 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 32 लाख 7 ईयर्स में हो गया होता। ये स्टॉक भी मल्टीबैगर है बट 2023 में हम नोटिस करते हैं कि नेट प्रॉफिट्स कम हुए हैं इन स्पाइट ऑफ फैक्ट कि सेल्स इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। एंड इसका रिफ्लेक्शन दिखा है स्टॉक प्राइस पर भी, जो फॉल हुआ है 2243 से 1800 तक। तो फ्रेंड्स इन सभी एग्जांपल से हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जितने भी स्टॉक्स मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं उनमें एक ही चीज कॉमन होती है एंड वो है राइजिंग रिवेन्यू एंड प्रॉफिट्स ईयर आफ्टर ईयर। इसीलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अगर इन्वेस्टर थोड़ा एनालाइज कर ले एंड आंसर फाइंड आउट करे कि क्या कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ का स्कोप है या नहीं, तो इससे उसे अच्छे स्टॉक्स चूज करने में काफी मदद मिल सकती है। तो एक कंपनी के बारे में ये फैक्ट कैसे स्टडी करें, स्टॉक मंथन इसी के बारे में है। ये इन्वेस्टर्स की 2 तरीके से मदद करता है। 1 is 5000+ स्टॉक्स में से उन स्टॉक्स को कैसे शॉर्टलिस्ट करें जिनमें शेयर प्राइस के ग्रो होने का चांस बहुत ज्यादा है एंड वो स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं इन कमिंग ईयर्स। एंड एक और तरीका है टेस्टिंग एनी रैंडम स्टॉक, ये पता करने के लिए कि क्या उस स्टॉक में ये बात है कि जिससे उसका स्टॉक प्राइस राइज हो सके इन कमिंग टाइम्स। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, मतलब कि टुवर्ड्स द फाइनल सेक्शन ऑफ दिस वेबिनार, जो है स्टॉक मंथन के बारे में एंड ये कैसे इतना हेल्पफुल है। तो अभी तक हमें क्लियर हो चुका है कि स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाया जा सकता है एंड वो भी रिलैक्स्ड मैनर में। हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है एंड वो है ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जिनके बारे में चांसेस है कि वो अपने सेल्स एंड प्रॉफिट्स इंप्रेसिव तरीके से आने वाले ईयर्स में इंक्रीज करती रहेंगी, बिकॉज मैनेजमेंट का भी यही प्लान है। स्टॉक मंथन एक प्रोसेस है ऐसी ही कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। जी हाँ, बुक नहीं, वीडियो नहीं, ओनली प्रोसेस। तो स्टॉक मंथन की जितनी भी ऑफरिंग्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं पेड ऑफरिंग्स पे, जो है स्टॉक मंथन बुक एंड वीडियो ट्यूटोरियल। इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रोसेस को हाईलाइट किया गया है जिसकी मदद से हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके जो प्रोबेबली ग्रेट रिटर्न्स दे सकते हैं आने वाले टाइम में। इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना जिनमें इकोनॉमिक मोड के कुछ निशान हों। इकोनॉमिक मोड का मतलब है बिजनेस में ऐसी स्ट्रेंथ या एबिलिटी जिसके बेसिस पर कंपनी अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से कंपटीशन कर सकती है या फिर इंडस्ट्री डिजाइन ही इस तरीके से है कि कंपटीशन अवॉइड हो जाता है। तो ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जस्ट एक क्लिक से एंड ऐसा होता है फ्री स्क्रीनर की मदद से। उसके बाद आती है फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पर कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन की बारी। ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करने से फायदा नहीं जो भी ओवरप्राइस सिचुएशन में फंसे हुए हों। इसके बाद जब हमारे पास ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाती है जिनमें इकोनॉमिक मोड के फुटप्रिंट्स भी हैं एंड उनकी मार्केट प्राइस भी अभी रीजनेबल या अंडर वैल्यूड है, तो उसके बाद इन स्टॉक्स के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन एनालाइज करनी होती है। पहली तो है कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की पूरी अंडरस्टैंडिंग की, कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ये डील करती है एंड इसकी इंडस्ट्रीज ग्रोइंग है या नहीं। एंड सेकेंड है कुछ टाइप ऑफ एश्योरेंस कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करने के लिए मैनेजमेंट एक्टिवली इंगेज्ड है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को रिफर करके इसका आइडिया लगाया जा सकता है।
ग्रोथ का प्लानिंग किसी भी तरीके का हो सकता है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, न्यू मार्केट एंट्री, न्यू बिजनेस सेगमेंट या कुछ भी। अब हमने इस लिस्ट में से वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ के एंगल से ज़्यादा मजबूत हैं। तो इस फाइनल लिस्ट में से हम उन स्टॉक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं एंड उनको कितना परसेंटेज टोटल पोर्टफोलियो का एलोकेट करना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट स्टॉक मंथन बुक एंड वीडियो ट्यूटोरियल दोनों में डिस्कस किए हुए हैं। डिफरेंस इतना ही है कि वीडियो ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन है प्रोसेस का यूजिंग ऑनलाइन टूल्स, एंड इसके अलावा एक कस्टमाइज एक्सेल शीट भी है जिसकी मदद से वैल्यूएशन एक्सरसाइज काफी हद तक ऑटोमेट हो सकती है, एंड ऐसा करने से बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है उस फाइनल लिस्ट ऑफ स्टॉक्स तक पहुंचने में। एक और चीज इसमें यूनिक है एंड वो है पर्सनल टाइम डिवोशन। ट्यूटोरियल देखने के बाद आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं फोरम में, एंड उसके बेसिस पर हम उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, या तो वन ऑन वन या फिर कॉमन वीडियो से उस क्वेरी का सॉल्यूशन सबके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ट्यूटोरियल तो स्टॉक मंथन वेबसाइट पर अवेलेबल है एंड बुक भी अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। अब ये तो थे स्टॉक मंथन के पेड टूल्स। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज बेसिस पर। उसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्टॉक मंथन यूट्यूब चैनल को। इसमें हम वेराइटी ऑफ कंटेंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टॉक्स ऑन माई रडर। ऑन दिस चैनल हम टाइम टू टाइम जो स्टॉक्स मेरे परचेज डिसीजंस में इंक्लूडेड हैं या फिर जो मेरे एनालिसिस रडार पर हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, एंड उनकी करंट वैल्यूएशन स्टेटस को रिव्यू करेंगे कि वो अभी परचेज करने के पॉइंट पर हैं या नहीं। ये वीडियोस एजुकेशनल होंगे एंड इनका बेसिस होगा बिजनेस प्रोफाइल, फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स एंड सम फाइनेंशियल हाईलाइट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मेरे म्यूचुअल फंड्स, जिनमें मैं जनरली बहुत कम पोर्शन इन्वेस्ट करता हूँ शेयर से कंपेरिजन में। इस कैटेगरी में हम प्रोबेबली बेस्ट विनिंग म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब जनरली एवरी मंथ। ये वो म्यूचुअल फंड्स होंगे जो रिटर्न एंड रिस्क मैट्रिक्स में परफेक्ट होंगे, एंड हर कैटेगरी में से हम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फाइंड करने का ऑब्जेक्टिव रखेंगे, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप, टैक्स सेविंग फंड्स एटसेट्रा। इसके बाद आता है कोर्सेज का एरिया। थ्री कोर्सेज जो जनरली चार्जेबल होते हैं बट इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे फॉर ऑल व्यूअर्स। इसमें से एक है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कोर्स, अ कंप्लीट गाइड। इस कोर्स को रेफर करने के बाद किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के पर्सन अपने लैपटॉप या पीसी पर बैठकर 5 to 10 मिनट्स में कोई भी कैटेगरी में से अपने लिए बेस्ट विनिंग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दो और कोर्सेज हैं जो स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होंगे। इसमें फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स। इस कोर्स में कंपनी के बिजनेस को बेटर तरीके से समझने के लिए ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे एंड वो क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग हों। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर बात होगी डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। देन रेशियो एनालिसिस, जिसमें डिस्कस करेंगे कि ये रेशियोज क्यों जरूरी हैं बिजनेस को समझने में। ये कोर्स अभी तक प्रोसेस में है एंड चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोडिंग होती रहेगी एज एंड व्हेन इट गेट्स रेडी। इसके बाद आता है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स और स्टॉक मार्केट बेसिक्स। इस कोर्स में जितनी भी बेसिक चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में होती हैं वो हम समझेंगे। इसके अलावा बहुत से टॉपिक्स जैसे कि मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट, आईपीओ, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट सेलिंग, स्टॉक एक्सचेंजेस, टाइप ऑफ एनालिसिस विद बेसिक्स एंड मेनी अदर थिंग्स, जो भी इन्वेस्टर्स के लिए जानना जरूरी है। इजी एग्जांपल्स के साथ इसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी यूजफुल टॉपिक्स पर बात होगी, एंड ये कोर्स वीडियो फॉर्मेट में स्टॉक मार्केट की ग्लोजरी की तरह होगा। ये अभी प्रोसेस में है एंड वीडियोस अपलोड होंगे एज एंड व्हेन अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा जैसी भी रिक्वेस्ट व्यूअर्स से हमें मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इतना ही कहना था इस वेबिनार में, एंड अगेन आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है स्टॉक मंथन फैमिली में। जस्ट हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड हिट दी बेल आइकन ऑल्सो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड ऑल्सो शेयर विद अदर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। आगे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच।